इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आ चुका हूँ भाई एक और खतरनाक सी वीडियो के साथ। तो भाई आज मैं आपको कलर वाले गेम की रियलिटी बताने वाला हूँ, जो कि भाई किसी को नहीं पता होगी। तो भाई ये वाली वीडियो बस एंड तक देख लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है, तो उसी हिसाब से आपको इसको लेना है भाई, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ भाई क्या क्या चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये इस वीडियो सिर्फ 18 प्लस के लिए होने वाले, जो भी माइनर है वो इस वीडियो कृपया ना देखें भाई, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ, ओके। सबसे पहले ही पहले भाई क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ जो कि फेस करने को मिलते हैं भाई, है ना। यहाँ पर कुछ मेजर प्रॉब्लम है जो यहाँ पर मेनली फेस करने को मिलती है। जो पहली प्रॉब्लम है वो है कि भाई कॉइंस कभी भी बाहर नहीं आते भाई, है ना। ये भी एक तरीके से भाई क्या बोलते हैं, ये भी एक तरीके से भाई बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर मान लो कॉइन्स बाहर नहीं आते तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। मान लो मैंने कॉइन्स यहाँ पर लगाए भी बनाए भी, लेकिन मेरे कॉइन्स बाहर ही नहीं आए, तो वो एक तरीके से भाई बेकार चीज़ है ना। तो इसीलिए भाई अगर मेरे कॉइन्स बाहर नहीं आते तो ये भाई बेकार है एक तरीके से भाई, है ना, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। अब सेकेंड चीज़ मैं बताता हूँ भाई, है ना। सबसे पहली बात तो ये थी कि कॉइन्स बाहर नहीं आते। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात ये है कि जैसे कि मान लो एक दो दिन तो भाई मैं मतलब शुरुआत के एक दो दिन है नए नए, तब मैंने थोड़े थोड़े कॉइन्स बनाए, जैसे कि भाई मान लो 200-400 कॉइन्स बनाए तो मेरे कॉइन्स आराम से यहाँ पर आ गए। लेकिन तीसरे चौथे पांचवें दिन जैसे मैं ज़्यादा कॉइन्स बनाने लगा ना, वैसे मेरी आईडी यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाती थी, है ना। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती। तीसरी प्रॉब्लम क्या है भाई, तीसरी प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि यहाँ पर मान लो कि मेरे पास 2-3 लाख कॉइन्स यहाँ पर हो गए, मैंने कुछ कॉइन लिए और उससे 2-3 लाख कॉइन्स जितने भी हम बना दिए भाई, उसके बाद ही मेरी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, क्योंकि भाई इनको लगता है कि भाई एक बंदे से हमको क्या ही फर्क पड़ेगा, इसीलिए भाई ये चीज़ भी कर देते हैं। चौथी चीज़ क्या है, मान लो मैंने कॉइन्स डाले भाई, है ना, मान लो मैंने कॉइन्स डाले ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मान लो मैंने कॉइन्स इसके अंदर डाल दिए, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर मेरे से तो यहाँ पर डन हो गए कि डल गए, लेकिन गेम के अंदर आते ही नहीं है भाई, ना। ये भी एक तरीके से मेजर प्रॉब्लम है भाई मेरे लिए, क्योंकि भाई देखो गेम के अंदर आते नहीं थे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती थी मेरे को। अब मैं बताता हूँ भाई चारों चीज़ों का सोल्यूशन क्या है मेरे भाई, ना। ये चारों चीज़ों का सोल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ, बस वो चीज़ देख लेना, उसके बाद यहाँ पर समझ जाओगे। क्योंकि भाई देखो ये सब है ना, ये सब है एक तरीके से डमी गेम भाई, ना, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ये चारों प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसके बाद मेरे को ध्यान में आया कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एक तरीके से डमी गेम भाई, ना। तो डमी गेम क्या होता है भाई, यहाँ पर लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ भाई डमी गेम क्या होता है। डमी गेम ये होता है जैसे कि कोई भी चीज़ की कॉपी होती है उसको एक तरीके से डमी कहा जाता है। जैसे कि भाई ये मान लो ये एक गेम है भाई, है ना, एंड यहाँ पर चार और गेम है भाई, है ना। ये एकदम भाई मतलब एक तरीके से तुमने वो देखा होगा ना, अगर छोटा भीम देखा होगा तो उसमें एक रहता है ढोलू, एक रहता है भोलू, तो उनके बीच में भाई यहाँ पर डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसके अंदर भी ऐसा कुछ सिस्टम रहता है कि भाई एकदम जो एक गेम है ना ओरिजिनल, उसकी कॉपी एकदम मतलब डिट्टो कॉपी बनाई जाती है, जैसे कि भाई पहचान ही नहीं पाओ, बस माइनर चेंज होगा 19-20 का, जो कि भाई यहाँ पर आइडेंटिफाई करना एक तरीके से मुश्किल है भाई, है ना। तो 19-20 का फर्क होता है तो भाई ज़्यादा बंदे यहाँ पर उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लोग क्या भाई, मैं भी नहीं कर पाता हूँ आइडेंटिफाई कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, वो एक तरीके से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम बन जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ भाई मैं क्या चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम मेरे को फेस करने को मिलती थी भाई, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भाई, एंड इन चीज़ का मैंने आपको सॉल्यूशन ही बता दिया क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो भाई अब मैं आगे ये कहानी बताता हूँ, ठीक है। इन चीज़ का सॉल्यूशन क्या है कि एक ऐसा गेम मैं यूज़ करूँ ताकि भाई मेरे को ये सब प्रॉब्लम ही ना है, मैं ओरिजिनल चीज़ यूज़ करूँ, मैं कॉपी यूज़ ना करूँ, क्योंकि भाई कॉपी होते हैं वो एक तरीके से भाई उनका अलग सर्वर वगैरह सिस्टम अलग रहता है, तो वो भाई अपने सर्वर पर सारी सिस्टम स्टोर कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ भाई क्या होता है, जैसे कि भाई मैं इस मतलब मेरे पास कुछ ऐसे गेम है जो कि भाई एकदम बढ़िया तरीके से कॉइंस देते हैं, उनमें मेरे को कभी चार प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। तो जैसे ही भाई मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा, है ना, उसके अंदर क्या है कि भाई नीला नीला सा मेरे को ऐसे पार्ट दिखेगा, दो पार्ट दिखेंगे, तो यहाँ पर मैं उस एक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा टीजी खुल जाएगा। उसके बाद मैं क्या है टीजी पे ज्वाइन हो जाऊँगा, है ना, टीजी पे ज्वाइन हो जाऊँगा एंड वहाँ पर भाई पोस्ट डालता हूँ मैं, जिसमें क्या है कि मेरा गेम यहाँ पर दिख जाता है एंड मेरा VIP चैनल दिख जाता है भाई, है ना। गेम है तो वो मैं यूज़ करता हूँ भाई ऑलवेज से, जिससे मेरे को दिक्कत ना। और VIP चैनल में क्या खास बात है भाई, है ना, VIP चैनल में ये खास बात है कि दिन में 6-7 बार खेला जाता है, तो मैं क्या करता हूँ मैं वहाँ पर कॉपी करके खेल लेता हूँ भाई, है ना, जो यहाँ वहाँ पर बताया जाता है कि ये है तो भाई उसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई सभी लोग कॉइंस बनाते तो मैं क्यों पीछे रहूँगा, है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे होती है। अब मैं बताता हूँ भाई इसके अंदर कॉइंस बनते कैसे, जैसे कि मान लो इसमें ऑप्शन रहते हैं, बिग रह गया, स्मॉल रह गया,
और यहाँ पर रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। एंड इनके बीच में वॉयलेट नाम का ऑप्शन और आ जाता है भाई, है ना। तो इनके बिग हो गया, स्मॉल हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, वॉयलेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिग एंड स्मॉल का तो कुछ खास रोल है नहीं भाई, है ना। मतलब खास रोल कैसे नहीं है भाई, जैसे कि 100 कॉइन्स यहाँ पर लगाते हैं तो अपन को मिलते हैं 196 कॉइन, यहाँ पर भी 100 कॉइन लगाएं तो 196 कॉइन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर भी भाई 196 एंड यहाँ पर भी 196, है ना। तो भाई देखो बिग एंड स्मॉल में एक अच्छी बात है कि 196 देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रेड एंड ग्रीन में क्या अगर साथ में वॉयलेट आ गया तो भाई यहाँ पर सीधा 146 कॉइन हो जाएंगे 196 के, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ है भाई, इस हिसाब से गेम वगैरह चलते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे भाई वैसे तो। चलो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई लोग, चलो भाई।